And last class, I have explained you singular and plural. Last classes में आपको singular और plural explain किया था. Singular में होता है the word which denote a single object. It means जो किसी भी object को, जैसे noun हो सकता है, उसमें person, animal, place, उसमें क्या denote किया जाता है? One thing को, one object को, एक को दर्शाया जाता है. और plural में क्या होता है? The word which denote more than one object. मोर देन वन ऑब्जेक्ट मतलब एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो जाते हैं. जैसे आपके उसमें प्लेस के नेम हो जाएंगे और उसमें आपके पर्सन के नेम हो जाएंगे, थिंग के नेम हो जाएंगे. तो मोर देन वन में क्या जाता है? आपका प्लूरल हो जाता है. ओके तो उसमें फर्स्ट आपका क्या होता है? सिंगुलर में जैसे बॉय हो गया तो अपन एस लगा देते हैं तो जनरली वो आपका प्लूरल बन जाता है. बट ये रूल सभी में नहीं होता है. जैसे यहाँ दिया बॉय, बॉयज, कप, कप्स, इसमें लास्ट में एस ऐड कर दिया तो ये आपका प्लूरल बन गया. बट आपका, मैंने आपको रूल्स बताए थे. फर्स्ट रूल क्या था कि अगर लास्ट में, लास्ट वर्ड में, व्हेन द लास्ट वर्ड इज एस एच, सी एच और आपका एक्स, ओ और एस होता है तो आप में इसमें क्या कन्वर्ट, क्या ऐड करते हैं आप इसमें? ई एस ऐड करते हैं. ओके जैसे ब्रश, ब्रशेज, आपने इसी वर्ड में ई एस ऐड कर दिया. ओके ब्रशेज, ब्रांच, ब्रांचेस, टॉर्च, टॉर्चेस, इन द सेम वे. तो ये अपना फर्स्ट रूल था. सेकंड रूल था अपना कि द वर्ड विच आर चेंज इनटू प्लूरल बाय रिमूविंग वाई. जब अपने वर्ड के लास्ट में अगर वाई वर्ड आता है तो इसको अपन रिमूव करते हैं. क्या करते हैं? रिमूव. रिमूव मीन्स इसको अपन हटा देते हैं. और क्या ऐड करते हैं? आई ई एस ऐड करते हैं. ओके जैसे फ्लाई, तो इसका प्लूरल हो गया फ्लाइज. वाई को रिमूव कर दिया और ई एस, आई ई एस ऐड कर दिया. ओके बॉडी, बॉडीज, क्राई, क्राइज, सिटी, सिटीज. ओके इट्स अवर सेकंड रूल. नाउ कम टू द थर्ड रूल. द वर्ड विच आर चेंज इनटू प्लूरल बाय रिमूविंग एफ और एफ ई एंड एडिंग वी ई एस. अब आप इसमें क्या करेंगे? अपन अपने वर्ड के लास्ट में अगर एफ आता है या आपका एफ ई आता है देन वी रिमूव एफ एंड एफ ई एंड एडिंग वी ई एस. हम एफ और एफ ई को रिमूव कर देंगे और वी ई एस ऐड कर देंगे. जैसे काफ, तो आपका एफ रिमूव करके वी ई एस ऐड करना है तो काल्व्स. लाइफ, एफ ई रिमूव करके लाइव्स. हाफ, तो एफ रिमूव करेंगे और हाल्व्स. थीफ, एफ रिमूव करके वी एस ऐड करेंगे थीव्स. तो ये आपके तीन रूल्स हो गए थे. नाउ कम टू द अनदर सिंगुलर एंड प्लूरल मिस सेलेनियस. इसका मतलब होता है मिश्रित ढंग से अनेक प्रकार के. इसमें कोई रूल नहीं होता, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं. तो लेट्स सी हियर. दिस का दीज, दिस मतलब यह, दीज मीन्स वे. तो दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका? दीज. दैट, दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका? दोज. अब दिस आपका पास की वस्तु के लिए आता है तो उसका वो प्लूरल हो गया दीज. दैट आपका दूर की वस्तु के लिए होता है तो उसका प्लूरल हो जाएगा आपका दोज. दोज मीन्स वे, वो मतलब दूर के लिए. अब आपका फुट, फुट मीन्स होता है आपका एक पाँव. और फिट, तो ये हो जाएगा आपके दोनों पैर. तो इसमें ये होता है कि जहाँ डबल ओ आ जाता है तो उसको प्लूरल में डबल ई में अपन कन्वर्ट कर देते हैं. तो फुट, फिट. ठीक है, इन द सेम वे आपका ये हो जाता है टूथ. टूथ मीन्स होता है आपका एक दांत. और टीथ मतलब आपके हो जाते हैं सारे दांत आ जाते हैं. ओके तो उसमें डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर दिया तो ये आपका प्लूरल हो गया. मैन और मैन, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट अगर अपन इसमें ई हो जाता है ए के जगह पर तो ये आपका क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है. मैन का प्लूरल एम ई एन मैन हो जाता है. ओके वुमेन, अब ये भी आपका है वुमेन, इसमें भी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ओ एम ई एन हो जाएगा तो यहाँ आपका ई हो जाएगा. ओके तो ये आपका प्लूरल हो गया. तो वुमेन यहाँ प्रोनंसिएशन करेंगे बट यहाँ पर जब प्लूरल होगा तो इसमें इसका प्रोनंसिएशन होगा विमन. क्या होगा आपका? विमन. ओके माउस, माउस मीन्स होता है आपका चूहा. और माइस, माइस मीन्स मोर देन वन माउस, एक से अधिक चूहे. ऑक्स, और इधर हो गया आपका ऑक्सन. ऑक्स मीन्स होता है आपका बैल, तो इसका क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑक्स, ऑक्सन.
अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ओ एक्स आ रहा है मैम लास्ट में, तो इसमें सी एच वाला रूल हो रहा है, तो इसमें ई एस होना चाहिए। बट जब किसी वर्ड से पहले वावेल से इससे सॉरी अल्फ़ाबेट से पहले अगर वावेल आता है तो वो आपका चेंज नहीं होगा। ओके तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सन। अब जैसे इसका आ गया आपका गूज, तो ये डबल ओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गीज, डबल ई हो जाएगा। तो गूज मतलब आपका होता है बतख कलहंस, और गीज मतलब कलहंसनी। इंडेक्स, इंडेक्स अपन बनाते हैं ना कॉपी में बनाते हैं आप इंडेक्स सारणी, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? इंडिसेस। ओके बियर, आपका बियर का बियर ही रहेगा। ओके डियर, डियर का प्लूरल डियर ही रहेगा। शिप, शिप का प्लूरल शिप ही रहेगा। बियर मीन्स भालू, डियर मीन्स हिरण, शिप मीन्स आपका वो भेड़। तो इसमें क्या था? आपको ये ध्यान रखना है कि बियर डियर शिप और एक न्यूज़, न्यूज़ का भी एज इट इज रहता है, न्यूज़ का प्लूरल भी यही रहता है। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा है? मिसलेनियस में से मतलब सभी प्रकार के होते हैं इसमें, इसमें कोई रूल नहीं होता है। ओके पैसा, तो इसका प्लूरल हो जाएगा पैसे। रिडल, रिडल मीन्स आपका होता है पहेली, तो इसका हो जाएगा रिडल्स। तो इसमें अपने कितने रूल, इसमें कोई रूल्स काम नहीं किया, इसमें डबल ओ वाला आ गया तो डबल ई में आ गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ वो भी आ गए इसमें। और यहाँ पर आप एक वर्ड में, एक स्पेलिंग में सॉरी एक वर्ड अल्फ़ाबेट में चेंजेस हो रहा है, तो ये सारे अपने क्या हो गए? मिश्रित ढंग से आ गए, मतलब इसमें अनेक प्रकार के अपने सिंगुलर और प्लूरल आ गए। तो आपको इनका रिविज़न करना है, आपको चैप्टर पढ़कर देखना है। ओके